वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज लोहड़ी है, हैप्पी लोहड़ी सबको मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को। और अभी मैं अपने डॉगी को लेके जा रही हूँ वॉशरूम। तो अभी दिन के जो हैं 1:30 बजे हैं और बस मैं नाले की तरफ आई हूँ। दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा व्यू नाले का। तो ये देखिए बर्फ़ पड़ी है उस साइड ज़्यादा, और इस साइड वाली बर्फ़ जो है पिघल चुकी है और उस तरफ ही बची है बर्फ़ अभी। तो ये है मेरा डॉगी विशु। विशु इधर देख, विशु विशु इधर देख, इधर विशु चुप विशु। तो थोड़ी थोड़ी धूप लगनी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए थोड़ा थोड़ी लगी है, ज़्यादा नहीं लगी, बाकी तो बादल ही छाए हुए हैं। जाना का तूने बोल। तो ये आजकल बहुत ही शरारती हो गया है मेरा बिस्सू, भागता रहता है, चला जाता है। अगर इसको ऐसे छोड़ दें तो अभी तो इसको मैंने बांध के लाया है शांगल में और ऐसे घुमाने लाई हूँ मैं इस तरफ को। इसको वॉशरूम वॉशरूम भी चला जाएगा और ऐसे घूम भी लेगा। अब इसकी नज़र है कब मैं छूटूंगा और कब भागूंगा मैं, है ना? कब भागेगा भागेगा? भेजना तू, मैंने भेजना। तो देखिए नीचे यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। उस साइड को ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है हमारी, मतलब घर के सामने वाली साइड में। और नीचे ये सड़क है, रोड तो वैसे खुले ही है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी है, पर बसेस वगैरह पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ गाड़ियाँ वगैरह और बाइकें वगैरह आ रही हैं। और काफ़ी ठंड हो चुकी है। और ये देखिए बिस्सू खड़ा है इधर डॉन बन के। डॉन है तू, कहाँ जाना है? भेजती मैं तेरे को आज इधर, धूप सेक थोड़ी देर और बस फिर घर ले जाना तेरे को मैंने, ठीक है ना? तो काफ़ी अच्छी धूप लग गई। अब देखिए आसपास तो बादल ही हैं, लेकिन धूप का सेक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं और बिस्सू बैठे हैं दोनों, ये देखिए बिस्सू, काफ़ी अच्छी धूप है। तो मैं और भीसु अभी घर जा रहे हैं और घर में जाके आपको दिखाते हैं कि घर में क्या चल रहा है। ये देखिए मेरी मम्मी लिपाई कर रही है इधर, पूरी ख़राब हो चुकी हैं। और ये माया दीदी फ़ोन चला रही हैं और माया दीदी ने टिप्पू लगा दी यहाँ ऊपर। ये देखिए लोहड़ी में लगाते हैं। तो ये देखिए ये जो काली काली होती है ना वाले ऊपर फटियां, इसमें बहुत अच्छे लगते हैं वाले, ये पीको जहाँ पर काली नहीं होती है वहाँ पर वाले इतने अच्छे नहीं लगते। अच्छा जब शाम को सूख जाएंगे तो तब देखना वहाँ कितना अच्छा लगेगा, अगर शाम के जाएगा वहाँ बिजली की तरह। देखिए मेरी मम्मी क्या क्या बोल रहे हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि ये जो हमने टिप को लगाए हैं ये जहाँ ब्लैक होता है वहाँ अच्छे लगते हैं, जहाँ वाइट होता है वहाँ नहीं दिखते ये ज़्यादा। मम्मी बोल रही हैं जब पूरी सफाई हो जाएगी, लिपाई वगैरह हो जाएगी, जब ये सूख जाएंगे तब बहुत अच्छे दिखेंगे रात को, बिजली की तरह चमक जाएंगे। मम्मी ऐसे बोल रही है। गाइस अभी शाम के जो है 4:30 होने वाले हैं और अभी मैं सो के उठी जस्ट, तो मम्मी ने लिपाई वगैरह कर ली है और अभी बर्फ़ भी स्टार्ट होगी फिर से स्नोफॉल, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए लिपाई कर दी मम्मी ने। तो देखिए गाइस लाइव स्नोफॉल, थोड़ी थोड़ी लगी है और धुंध पड़ चुकी है काफ़ी, मतलब कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ और धीमी धीमी लगी है, बिल्कुल धीमी धीमी, शायद फ़ोन में दिख भी नहीं रही होनी। तो रात को बनाएंगे हम सोहालू वगैरह जो भी होता है लोहड़ी में बनता है, और साथ में बनेगा मीट। और अभी मैं चलती हूँ अंदर, फिर से आपको बाद में मिलेंगे, तब तक आप बने रहना मेरे ब्लॉग में।
तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो अभी मैं जो है दिब्बू के घर आई हूँ और दिब्बू ने मुझे रोक लिया। मैं इधर काम से आई थी कुछ, इसने बोला इधर ही खा ले हमारे घर में खाना। तो इधर हम मिट्ठू बना रहे थे। तो थोड़े से क्रिस्पी मिट्ठू हमारे बन गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मिट्ठू बनाए हैं मीठे, और यहाँ पे मटर पनीर बनाया है, इधर मीट बनाया है, ये सालू बनाया है इधर, और ये मीठे सालू है नीचे आधे, और करा रहे होते बल्कि होती है ये नहीं तो नॉर्मल। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।